नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ट्रिक चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ दरोगा मेंस का संदर्भ का पहला सेट। और पहला सेट का पहला क्वेश्चन है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा टू, प्रसिद्ध तिरुमति माला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंकटाद्री पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा होगा, अपनी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा चार, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँच, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वह? इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सिक्स, जब कोई वस्तु धनावेश होती है तो वह क्या करती है? जब कोई वस्तु धनावेश होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा सात, अंडर क्रिकेट 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 में भारत ने किस देश को फाइनल में हरा कर यह प्रतियोगिता चौथी बार जीती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर भारत चौथी बार अंडर 19 कप जीती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट हो जाएगा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवी मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नाइन, तमिलनाडु उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाए जाने वाली डैश का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर दस है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, मैकमोहन रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और चीन को विभाजित करती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कुछ हिस्सों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवान बिस्की। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इवान बिस्की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ये घटना ईस्वी के अनुसार सजाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तीन, सबसे पहले तीन चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद ऑप्शन दो हो जाएगा, रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था। उसके बाद एक जालियावाला बाग हत्याकांड, ये भी 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कोनेरी हम्पी का संबंध किस क्षेत्र से है? कोनेरी हम्पी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया था भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, किस राज्य में 22 मार्च 2018 को सबसे लंबी रेतीली गुफा खोजी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र में। भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 21, चीन की संसद द्वारा 18 मार्च 2018 को दूसरे कार्यकाल के
लिए देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो ली केकियांग। अभी चीन में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग। नेक्स्ट, यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक प्राप्त होता है तो वह कौन सा खेल खेलता है? यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से शतरंज खेलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका वित्त विधेयक केवल संसद के निम्न सदन में पेश किया जाता है, सही है। उसके बाद संसद का निम्न सदन जनता द्वारा निर्वाचित होती है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट का प्रयोग हम ब्रेड को मुलायम करने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अल्कोहल में क्या निहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता का प्रयोग हम हाइग्रोमीटर से किया जाते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31, आर्द्रता आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33, निम्नलिखित में से सुमलेखित करना है, इसका सही मिलान कौन सा है? तो इंडियन होम रिल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34, निम्नलिखित में से जल से हल्का कौन है? ऑप्शन के अनुसार जल से हल्का सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल से हल्का सोडियम को रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गोल दिखाई होती है देती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गोल दिखाई देती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, टिटनेस बीमारी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एक और नाम है टिटनेस का, अन्य नाम लॉकजा। टिटनेस बीमारी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका लॉकजा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल नहीं देता है और फल नहीं देता है बीज पैदा करता है, ये साइकस ऐसा पौधा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, बड़े पैमाने पर केसर के उत्पादन की कहाँ किया जाता है? तो एकमात्र राज्य जो है केसर का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा प्रशिक्षण किसके लिए किया जाता है? तो यह एड्स के लिए एलिसा टेस्ट का प्रशिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कच्चे रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 है, वायु
की संघटक गैसें समानता कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की संघटक गैस होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा हमारा। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊंचाई के कारण वायु का दबाव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूरों से पीड़ित हैं तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू, नारंगी और आंवला। विटामिन सी का स्रोत होना चाहिए निश्चित रूप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। इसका सही उत्तर हो जाएगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? तो ये डेनिस टीटो। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये डेनिस टीटो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु है उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, डैश के अभाव में मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मतलब विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2017 में शहरी गतिशील भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ये करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91 मैथ है, दो संख्याओं का मोह 123 और तथा लो 10 से 35 है, यदि इनमें से एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुने से इसका सूत्र होता है एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा 23 गुने 10 से 35 बटा 207। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जीके का क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, डैश के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है। फूल उत्पादक देश में प्रथम स्थान पर चीन आता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है।